हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाज़िश हैदर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िश एकेडमी पर। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूं, जिसमें हम सीखेंगे 5 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कि हम उसे कैसे फास्ट कैलकुलेट करें। फास्ट कैलकुलेशन मतलब कि हम कम वक्त में, थोड़े समय में ही उसका आंसर फटाफट अपने पास ले आए, मतलब सामने ले आए, मतलब कि एक लाइन में उसका आंसर आप कैसे लेकर आएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 डिजिट्स। ओके, मैं कोई भी 5 डिजिट वाला नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी, जैसे कि 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2। ओके, मैंने कुछ भी ले लिया है, आप भी इस तरह प्रैक्टिस करने के लिए कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ओके, अब देखिएगा गौर से, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मतलब कि 4 डिजिट वाली वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिक, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा और उस तरह से आप चलेंगे, उस तरीके से अगर आप मैथ्स इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे और फिर वो ट्रिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक था। A B C D E F G H I J, मतलब कि 3 2 5 3 2 5, 5 डिजिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सपोज आप इस तरह मान लो, आप समझ लो कि कोई नंबर ABCD के फॉर्म में लिखा है और उसके बाद हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़। तो मैं वो चीज़ यहाँ पर समझाऊंगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा मल्टीप्लाई करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा घिचबिच हो जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पर इस नंबर को ABCD के फॉर्म में लिखा है। और मैं वहाँ पर बताऊँगी कि आप कैसे कौन से नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, और कॉर्नर टू कॉर्नर कैसे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, सामने वाले को कौन सा नंबर सामने वाला मल्टीप्लाई हुआ और क्या होगा, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज वाली बात, तो वो मैं फिर से बताऊंगी, वो चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए देखिए, मैंने आपको वो 4 डिजिट वाली वीडियो में ये बात बताई है, लेकिन मैं फिर से भी बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ई और जे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, फिर हम ये 4 नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि डी जे एंड ई आई। एंड हाँ, सामने सामने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे कि हम डी और जे को करेंगे, ई और आई को करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोगों ने शुरू में 2 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर अब हम 4 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। और यूनियो स्टूडेंट्स, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हम मैथ्स में किसी भी नंबर कैलकुलेशन शुरू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो एंड डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, वट एवर, हम लोग राइट साइड से ही चलना शुरू करते हैं, राइट साइड से ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन शुरू करते हैं, जो भी करते हैं मैथ्स में, तो हम राइट साइड से चल रहे हैं। ओके, तो मैंने इस 2 नंबर को ले लिया, हम ये 4 नंबर लेंगे, मतलब डी ई आई जे को काम करेंगे, तो हम सामने सामने नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जी को जे से, ई को आई से, ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे, तो 4 नंबर, फिर हम 4 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर का इस्तेमाल कर लिया, 4 नंबर का इस्तेमाल कर लिया, अब हम साथ में 6 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, ठीक है। वो कैसे, तो हम सी डी ई 3 HIJ 3 3 6 नंबर है, इस 6 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो वो ऐसे करेंगे, C को हम J से करेंगे, फिर E को हम H को E से करेंगे, और ये D और I है ना, ये हम सामने सामने करेंगे, ये सामने सामने होगा, D और I सामने सामने होगा। देखिए, अगर मैं इस तरह से इस यहाँ पर करती तो फिर मैं मल्टीप्लाई करती तो काफ़ी ज़्यादा गिजबिज हो जाता, हौच पौच मिल जाता, आपको फिर समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ करना शुरू करा और यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे, हम लोगों ने अब 6 नंबर को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, 4 नंबर को मल्टीप्लाई किया, साथ में 6 नंबर को मल्टीप्लाई किया, अब हम 8 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ, हम लोग इधर से चल रहे थे, हम लोगों ने 2 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर 4 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर हम लोगों ने 6 नंबर का इस्तेमाल किया, अब हम लोग 8 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको छोड़कर बाकी ये हमारा 8 नंबर, 4 ऊपर 4 नीचे 8 नंबर, अब हम इस 8 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे हम करेंगे, तो देखिए, बी और जे को, जो सबसे ये नंबर हटा दीजिए, इसको आप भूल जाइए, ठीक है, मैं इसे ऐसे ढक देती हूँ,
अब वो जो हमारा चार नंबर बचा है इसमें हमारा जो साइड टू साइड है मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर एक्चुअली जो हमारा नंबर सबसे लास्ट में है तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब बी को जे से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी को जे से करेंगे एंड जी को ई से करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डन। अब बचा हमारा बी, बी जे हो गया एंड जी ई हो गया, मतलब लास्ट लास्ट का जो नंबर था उसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बीच में जो चार नंबर बचा है उसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो ऐसे बीच में ये हमारा सी डी और एच आई बचा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सी आई को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एच डी को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा आठ नंबर का इस्तेमाल, हमने आठ नंबर भी एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे पूरा का पूरा दस नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जो पांच ऊपर है और पांच नीचे है ये पूरा नंबर एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए मैं बताती हूँ, देखते हैं हमें क्या करना है। ए को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे नंबर के लास्ट वाले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मतलब कि इस नंबर के साइड में ये ए है तो जे से करेंगे, इस नंबर का एफ और इस नंबर का ई, ठीक है। इसको मतलब पूरे नंबर का ए को जे से एफ को ई से। अब बचा लास्ट में ये तीन, तो जैसे कि हम ऊपर का तीन नीचे का तीन मतलब छः वाले में जैसा काम किया था वैसा करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, बी को हम आई से करेंगे, जी को हम डी से करेंगे एंड सी एच सामने सामने, ठीक है। बहुत ही इजी है, बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, गौर फरमाइएगा तो आप भी समझ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, ओके। आपको जब दस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, पूरा का पूरा दस नंबर को लेकर चलना है, तो आपको क्या करना है, ए को जे से करना है पूरे के पूरे नंबर का कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लीकेशन, ए को जे से, एफ को ई से, ओके। एंड बीच में जो हमारा छः नंबर बचा उसको हम क्या करेंगे, जैसा कि हम छः वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह करेंगे, सेम चीज करना है। मतलब कि बी को आई से, जी को डी से एंड सी एच सामने सामने वाला, इस तरह से करेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वापस चलेंगे, जैसे हम आ रहे थे अब हम वैसे जाएंगे। मतलब हमें आना था टू से टेन तक, दो नंबर से हमने शुरू किया, चार नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर छः किया, फिर आठ किया, फिर दस किया, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे, मतलब कि हम फिर से एट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और छः नंबर को करेंगे, चार नंबर को करेंगे, फिर से दो नंबर को करेंगे। मतलब कि हम राइट साइड से चलते आ रहे थे तो हम पूरा का पूरा हमने पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इधर का तो सारा नंबर हो गया, बचा इधर का नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर एट नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे, ये दो को छोड़ देंगे और हम लोग सिर्फ ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आई इस आठ नंबर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल उसी तरीके से जैसे हम एट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उस समय। तो ऐसे करेंगे, मैं फिर से समझा देती हूँ, ए को आप आई से करोगे, फिर एफ को आप डी से करोगे, फिर बी को एच से करोगे और सी को जी से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे, ठीक है। एट भी वैसे ही हो गया। अब हमारा फिर हम वापस जा रहे हैं ना, तो जैसे हम टू फोर सिक्स एट आए थे तो वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एट सिक्स फोर टू, इसी तरह जाएंगे वापस, ठीक है। तो अब हम फिर से सिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कैसे करेंगे सिक्स नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब कि ऊपर का तीन नीचे का तीन, पूरा मतलब तीन तीन मिलाते हैं तो छः होता है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, ऊपर का तीन नीचे का तीन। अब इसको कैसे करेंगे, ए को एच से करेंगे, एफ को सी से करेंगे एंड बी जी सामने सामने, बी को जी से, ए को एच से, एफ को सी से, हो गया हमारा नंबर छः, छः नंबर को मल्टीप्लीकेशन। अब फिर हम क्या करेंगे, फोर नंबर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम वापस आ रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे ना, फोर नंबर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब फोर नंबर को कैसे करेंगे, ऊपर का दो नीचे का दो चार, मतलब ए बी और एफ जी, क्योंकि हमारा इतना काम हो चुका है स्टूडेंट्स। आपको गौर से बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया, गलती कर दी, नहीं ध्यान दिया तो आपका पूरा आंसर जो चौपट हो जाएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, सब इधर उधर हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम चार नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ, मतलब कि ए बी और एफ जी को करेंगे, ऊपर का दो नीचे का दो, तो ए को जी से करेंगे, एफ को बी से करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को जी से, एफ को बी से। एंड फिर हमारा बचा ये दो नंबर, मतलब हम लास्ट का दो करेंगे, तो लास्ट का दो ए को एफ से, ये फाइनल स्टेप है हमारा। तो अब मैं यहाँ पर करके आंसर बताऊंगी, तब आपका जो भी डॉट्स होगा, जो भी थोड़े बहुत आपके होंगे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए अब मैं फिर से बोल रही हूँ, अब हमें शुरू में क्या करना है, किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या मैथ्स में कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो राइट साइड से चलते हैं। तो यहाँ राइट साइड से चलना शुरू करेंगे, सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूना चार, ओके। अब हमने दो नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम चार नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि वन टू एंड टू टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो एकम दो, मैं ऐड करते जा रही हूँ, दो एकम दो,
दो दूना चार, चार दो ऐड कर दिया, छह हो गया, ठीक है। अब हम छह नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऊपर का तीन नीचे का तीन नंबर, तीन तीन छह नंबर हो गया टोटल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मैंने यहाँ पे बताया था, तो चलिए मैं फिर से बताती हूँ। चार को दो से करेंगे, दो को तीन से करेंगे एंड दो को एक से करेंगे, मतलब कि मैं यहाँ पे इरेज करूँ ताकि मैं ऐड करती जाऊँ। ऐसे चार दूना आठ, तीन दूना छः एंड दो एकम दो, ऐसे तो आठ दो दस छः सोलह, ठीक है। सोलह का छः हो जाएगा, हाथ में बचा हमारे एक, मैं कह रही वहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब फिर से हमने छः नंबर का इस्तेमाल कर लिया, दो नंबर का इस्तेमाल कर लिया, चार नंबर का इस्तेमाल कर लिया, अब हमारा बारी आया एट नंबर का इस्तेमाल करने का। तो अब इधर का छोड़कर हम ऊपर का चार नंबर नीचे का चार नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि थ्री को टू से करेंगे, तीन दूना छः, फिर एक को दो से करेंगे, दो एकम दो, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, चार को दो से करेंगे, चार दूना आठ, फिर तीन एकम तीन, ठीक है, ये आठ है, तीन एकम तीन, तो हो गया हमारा छः दो आठ, आठ आठ सोलह, तीन उन्नीस, और यहाँ पर हमें हमारा था बीस, बीस का जीरो, हाथ में बचा दो, ठीक है, हाथ में हमारे बच गया दो, बीस का जीरो हमने लिख दिया, ठीक है, चलिए दो बचा। अब हमारा एट नंबर भी हमने कर लिया, अब हम करेंगे पूरा का पूरा नंबर टेन नंबर, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, थोड़ा सा भी अगर आपने गलती की बहुत ही बारीकी से करना होता है, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तब बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे आराम से करना होता है। तो देखते जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो पूरा का पूरा नंबर, मतलब पूरा ऊपर का पाँच नीचे का पाँच, हम लोग पूरा का पूरा दस नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और साथ ही साथ ऐड करते जाएंगे, देखिएगा। तो हमें क्या करना है, दो को दो से मल्टीप्लाई करना है, चलिए मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ ताकि जो है मैं लिखती जाऊँ, ओके। दो को दो से करेंगे चार, और फिर मैं ऐड कर दूंगी, दो को दो से करेंगे चार, फिर तीन को दो से करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दो दुना चार हो गया, तीन दुना छः हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस तीन को दो से करेंगे, तीन दुना छः, अब इस एक को एक से करेंगे, एक कम एक, अब इस चार को तीन से करेंगे, तो चार दिया बारह, अब हम ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा छः चार दस, दस छः सोलह, सोलह एक सत्रह, दो उन्नीस का नौ, हाथ में बचेगा हमारा एक, और ये एक दो उनतीस हो गया। अब हमारे पास, हमने बीस का जीरो लिखा था, हमारे पास दो हाथ में कैरी था, वो मैंने गलती से इरेज कर दिया, पर मुझे याद है, ठीक है, दो हाथ में हमारे कैरी था, तो उनतीस में हम दो जब ऐड करेंगे तो नौ दो ग्यारह, दो और एक तीन इकतीस होगा, इकतीस का एक लिखेंगे, हमारे हाथ में हुआ तीन कैरी, ठीक है, हाथ में तीन कैरी है, याद रखना है इसे। अब हम लोगों ने दस नंबर का इस्तेमाल कर लिया, अब हम इस्तेमाल करेंगे आठ नंबर का, ठीक है। अब हम वापस जा रहे हैं, हमें दस तक पहुंचना था, दस तक तो पहुंच गए, अब जहां हमें पहुंचना था वहां से वापस भी तो जाते हैं, जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप वहां जब जाते हैं तो वहां से वापस भी तो आते हो, तो हमें दस तक पहुंचना था, हम दस तक दस नंबर तक पहुंच गए, अब हमें वापस आना, तो वापस कैसे आएंगे, 8642 इस तरह के नंबर को फॉलो करते हुए हम वापस आएंगे, मतलब कि हम पहले फिर उसके बाद हम एट नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इधर का एट इस्तेमाल कर लिया था नंबर, अब हम इस तरफ करेंगे, ये दो को छोड़ देंगे, ये दो नंबर को छोड़ देंगे, बाकी ये ऊपर का चार नीचे का चार, मतलब कि आठ नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ऐसे करेंगे, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, अब यहाँ दो दूना चार, ठीक है, तीन एकम तीन हो गया, दो दूना चार हो गया, अब फिर हम करेंगे तीन तिया नौ एंड चार एकम चार, नौ है यार ये, ठीक है, चार, तो हो गया हमारा चार तीन सात, ठीक है, चार तीन सात, नौ सात सोलह, सोलह चार बीस, बीस हमारे पास तीन था, बीस तीन तेईस, तेईस का तीन, हाथ में हमारे रहा दो, ठीक है। अब हमने आठ नंबर का कर लिया, अब हम छह नंबर का करेंगे, मतलब ये तीन नंबर और ये तीन नंबर, टू थ्री फोर, थ्री वन थ्री, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, थ्री टू जो सिक्स, फोर थ्री जो ट्वेल्व, थ्री वन जो थ्री, ठीक है। हमने इस तीन नंबर का इस्तेमाल कर लिया, दो को तीन से किया, चार को तीन से किया, फिर तीन को एक से किया, ऐड करेंगे, छः दो आठ तीन ग्यारह का एक, एक और एक दो इक्कीस, इक्कीस हमारे पास फिर था पहले से दो, इक्कीस और दो तेईस, तो तेईस का तीन लिखेंगे, हाथ में हमारे फिर से रहा दो कैरी, ठीक है। अब हमने छः नंबर का इस्तेमाल कर लिया, अब हम चार नंबर का इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे देखिए यहाँ पर छः नंबर का इस्तेमाल करेंगे, चार नंबर का इस्तेमाल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऊपर का दो नंबर नीचे का दो नंबर, मतलब कि टू को वन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू को वन से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, टू को वन से, थ्री को थ्री से, तो हमारा क्या हो गया, दो एकम दो और तीन थी नौ, तो नौ दो ग्यारह, ग्यारह हमारे पास पहले से दो था, तो
ग्यारह दो तेरह, तेरह का तीन हाथ पे हमारे रहा एक। ओके अब फाइनल स्टेप, लास्ट एंड फाइनल, क्या लास्ट का दो नंबर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐसा एरो बनाया, मतलब कि ये सामने वाले को, मतलब कि ये सामने वाले को, ऊपर का एक नीचे का एक, दो नंबर तो सामने वाले को, तो हमारा क्या हो गया तीन दूना छः, ठीक है छः, और हमारे पास एक कैरी था सात, ये हो गया हमारा आंसर। ओके बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना होगा, अगर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेशन से, ये नंबर है मेरा, ठीक है सही है ये कैलकुलेशन। तो आप इसी तरह से आप भी करेंगे तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा और आप आसानी से कर पाओगे, अगर समझा दी इसलिए टाइम लग गया और आपको भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अगर एक से दो नंबर का मतलब प्रैक्टिस कर लो, दो से तीन नंबर कुछ भी रैंडमली उठाकर, तो आपका भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि जो भी आपके थोड़े बहुत बचे कुछ एक कन्फ्यूजन होंगे, डॉट्स होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेती हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मैं आपके सामने ले रही, कोई रटा रटा नंबर नहीं मैंने लाया है, ठीक है मैं आपके सामने कुछ भी ले लेती हूँ। जैसे मैं ले लेती हूँ 6 2 3 1 1, ठीक है तीन दो पाँच पर डिजिट, नीचे 4 1 2 3 0, चलो जीरो को भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है पाँच नंबर है, पाँच ऊपर पाँच नीचे, पाँच पाँच डिजिट का हम लोग मल्टीप्लीकेशन आज सीख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फाइव डिजिट। तो चलिए कि जैसा मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये भी मैंने एक ट्रिक लिख रखा है आपको, ये दो चीज़ ध्यान में रहेगा ना आपके, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और फटाफट पांच नंबर के, और इस तरह से पांच नंबर के आप किसी भी नंबर का साइज कर पाओगे, चार नंबर तीन नंबर दो नंबर, मैंने सारा बता रखा है, मेरे सारे वीडियोज हैं बने हुए इस तरह के मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स में, तो आप देख सकते हैं। खैर चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है तो हम सामने सामने वाले को दो 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 मतलब सामने वाला दो नंबर इस्तेमाल करेंगे, ऊपर का एक नीचे का एक दो, जैसे कि मैंने वहाँ पे बता रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो दो नंबर को पहले इस्तेमाल करेंगे, तो वन को जीरो से करेंगे तो यू नो स्टूडेंट जीरो, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप चार नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऊपर का दो नीचे का दो नंबर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया हमारा जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन से हो गया हमारा तीन एकम तीन, तो ऐड करोगे तो थ्री ही होगा, ऑफिस की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया छः नंबर का काम, अब छः नंबर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे, ऊपर का तीन नीचे का तीन नंबर, ऊपर का तीन नंबर नीचे का तीन नंबर, तो थ्री को जीरो से करोगे जीरो, टू को वन से करोगे दो एकम दो, एंड सामने वाला तीन को एक से करोगे तो तीन एकम तीन, तो तीन दो पाँच ऐड करने पर आया, ठीक है। अब हमारा आ गया एट नंबर का इस्तेमाल, छः नंबर का हमने इस्तेमाल कर लिया, एट नंबर का मतलब ऊपर का चार नीचे का चार, ठीक है तो टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं यहाँ पे लिखूँ, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, फिर वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे वन, फिर उसके बाद थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे नाइन, फिर दो को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो दो, तो हो गया हमारा नौ एक दस दो बारह, ठीक है बारह का दो हाथ में बचा एक, ठीक है एक बचा हमारे पास कैरी। हमने आठ नंबर का भी इस्तेमाल कर लिया, अब हम दस नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम मतलब बच्चे ज़्यादा गलती से में करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप भी, अभी अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम दस नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूरा ऊपर का पाँच पूरा नीचे का पाँच, पाँच पाँच पूरा का पूरा दस नंबर का इस्तेमाल। तो अब कैसे करेंगे हम लोग इस मल्टीप्लीकेशन, देखिए साइड का पूरे नंबर का जो कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर में जो नंबर है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉर्नर इस नंबर का यहाँ पे है कॉर्नर, ये कॉर्नर वाला नंबर सबसे साइड वाला नंबर, तो सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक, हमारा कैरी है यार हाथ में, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है याद रहेगा वैसे। सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो, फोर को वन से मल्टीप्लाई किया तो फोर, फिर अब हम क्या करेंगे टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जो सिक्स, फिर वन वन जो वन, एंड ये सामने वाला तो थ्री टू जो सिक्स, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे छः चार दस, एक ग्यारह, ग्यारह और छः सत्रह, सत्रह पहले हमारे पास एक था अठारह, अठारह हो गया, अठारह का आठ लिखेंगे हाथ में हमारा फिर से रहा एक, ठीक है। हमने दस नंबर का भी इस्तेमाल कर लिया, अब हम इस्तेमाल करेंगे आठ नंबर का फिर से, चूंकि हम जैसा जा रहे थे वैसे वापस आएंगे, मैंने ये बताया था, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है दस नंबर का इस्तेमाल कर लिया, अब आठ नंबर का इस्तेमाल करेंगे, इधर का दो छोड़कर अब हम इधर का इस्तेमाल करेंगे, इधर का दो छोड़कर मतलब वन और जीरो को छोड़कर, बाकी जो सिक्स टू थ्री वन है, फोर वन टू थ्री है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ऊपर का चार नीचे का चार, ठीक है। तो छः को तीन से करेंगे तो छः कितना होता है, छः थी अठारह, छः कम छः 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 थी अठारह, ठीक है। अब चार को एक से करेंगे तो चार एकम चार, ठीक है। अब हमने छः को तीन से कर लिया, चार को एक से कर लिया, अब दो को दो से करेंगे, दो दूना यार, फिर अब हम क्या करेंगे दो को दो से करेंगे, दो दूना चार, ठीक है ये हो गया। अब हम करेंगे तीन को एक से, तीन एकम तीन, ठीक है। अब समझ गया ना, ऊपर का चार नीचे का चार, छः को हमने तीन से किया, चार को हमने फिर एक से किया, अब फिर दो को हमने दो से किया, फिर तीन को हमने एक से किया, ठीक है।
तो हो गया हमारा 8 4 12 12 4 16 3 19 का 9 1 और हाथ हमारे था 1 2 29 और पहले हमारे पास यहाँ से था तो 29 और 1 30 ठीक है 30 30 का 0 हाथ में हमारा बचा कैरी 3 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैरी 3 ठीक है। हमने 8 नंबर का इस्तेमाल इस तरफ का भी 8 नंबर का इस्तेमाल कर लिया। अब हम करेंगे 6 नंबर का इस्तेमाल मतलब कि फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 नंबर को मतलब कि ये 2 छोड़कर ये 4 छोड़कर ऊपर का 2 नीचे का 2 छोड़कर हम सिर्फ इस तरफ का इस्तेमाल करेंगे ठीक है। इसको हम छोड़कर सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे 6 2 3 4 1 2 तो हम कैसे करेंगे देखिए 6 को 2 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 2 12 फिर 4 3 12 फिर 2 1 2 ठीक है। तो हो गया हमारा 2 2 4 2 6 एंड 1 1 2 26 और पहले से हमारे पास था 3 तो 26 दिन हो गया हमारा 29 29 का 9 हाफ में हमारे रहा 2 ठीक है। अब हम फिर करेंगे 4 नंबर का इस्तेमाल ठीक है मतलब कि इधर का ऊपर का 3 छोड़कर नीचे का 3 छोड़कर इधर ऊपर को 2 नीचे का 2 तो 6 1 6 एंड 4 2 9 8 8 6 हो गया हमारा 14 पहले से हमारे पास 2 2 था 14 2 16 6 हाथ में हमारे रहा 1 ठीक है। अब हमने 4 नंबर का भी इस्तेमाल कर लिया अब हम लास्ट एंड फाइनल स्टेप हम 2 नंबर का इस्तेमाल करेंगे ओके। तो हो गया हमारा ये वाला देखिए मैंने यहाँ पर बताया था इस तरह सैरो करके ये वाला नंबर तो 6 6 24 24 और हमारे पास 1 था पहले से तो 24 और 1 25 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक लाइन में आ गया ना आंसर बहुत ईजी है। आप 2 से 3 नंबर को अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी कर पाओगे आसानी से और बस ये 2 चीज़ को जहन में हमेशा रखना याद रखना भूलना नहीं कभी भी ठीक है प्रैक्टिस करना हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लाइक अगर मतलब यूजफुल रहा अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह मेरे चैनल बने रहिएगा और फिर अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फिर मैं लेकर आऊँगी इसी तरह का कुछ मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट ट्रिक्स तो फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।